तो गाइस ये देखिए साइड से आप लोग को दिख रही होगी, ये देखो कितने। तो गाइस अभी हम परवाने वाले हैं इसमें टच, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। अभी जो आप लोग ब्लॉग देख पा रहे हो वो मर रहा है मेरा रेडमी 6A फोन से। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइस आज के इस वाले ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस मैं हूं शिवम और ये सचिन भाई अपना। काफ़ी टाइम बाद हम फिर से एक और बार ब्लॉग बनाने के लिए आ चुके हैं। तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं वॉकिंग करने के लिए, मैं और सचिन भाई। तो हम निकल आए हैं सुबह की, सुबह का टाइम है अभी और कोहरा आप लोग देख ही सकते हो चारों ओर। गाइस कितना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, देखिए मस्त एकदम नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। तो दिखाते हैं अभी आगे चल के। तो भाई लोगों अभी मैं मस्त एकदम घर पे आके बैठा हूँ खाना वाना खा के एकदम। तो अभी मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं काफ़ी टाइम बाद जो है ब्लॉग बना रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर से करिएगा और चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बाकी ब्लॉग के लिए लाइक कर देना जरूर से। तो चलिए अभी आगे करेंगे इस ब्लॉग को कंटिन्यू। बाकी सचिन भाई अपना खाने गया है खाना, उसके बाद चलते हैं कहीं पर देखते हैं घूमने, फिर आगे करते हैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू। चलिए गाइस। तो गाइस अभी हम परवाने वाले हैं इसमें टच, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। बाकी आप लोग इधर का व्यू देखिए एकदम मस्त हो रहा है। और ये अपना सचिन गार्डन गार्डन हो रहा है गाइस यहां के, तो क्या बढ़िया था गुरु। A few moments later. तो गाइस ये देखिए साइड से आप लोग को दिख रही होगी, ये देखो कितना ज्यादा इसका ग्लास जो फूट चुका है टच का। तो आज इसे पढ़वाने चलते हैं, फिर आप लोगों से दिखाते हैं मिलवाते हैं फोन सही होगा या नहीं वो देखना है। तो चलिए चलते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस हम लोग फ़ोन की टच वच करवा के उसके बाद हम लोग आ गए थे एकदम यहाँ पर घूमने अमृत सरोवर पे, मैं और सचिन भाई। थोड़ा बहुत शांत जगह है यहाँ पे, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे आके माइंड फ्रेश किया जाए। एकदम माइंड फ्रेश है यहाँ पे गाइस। आ गए हम लोग और आप लोग को घर पे पहुँच के दिखाएंगे। हम लोगों ने काफ़ी मस्त से कवर चढ़वाए हैं फ़ोन पे और उसकी टच भी सही करा दी जो फ़ोन हमारा ख़राब था। तो चलिए अभी चलते हैं, फिर आप लोगों से आगे मिलते हैं, इस ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। और अभी जो टाइम है वो गाइज हो रहा है गाइज अभी टाइम 5:25, तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है। तो चलिए घर पे चलते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। फ़ोन दिखाते हैं आप लोग किस प्रकार से सही हुआ है फिर नहीं उसका। गाइज क्या है कि कैमरा बढ़िया है इसीलिए मैं उस फ़ोन को यूज करता हूँ। ये जो मेरा फ़ोन है वो है पोको C3 और वो है Redmi 6A, तो उसका कैमरा काफ़ी इससे बेटर है तो मैं उसी को यूज करता हूँ अभी रिसेंटली। तो बाकी सचिन भाई से आप पूछ ही सकते हो। तो गाइस आते हैं घर चल के, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से घर। लोगों को दिखा देता हूँ अपना फ़ोन। तो मन ही रहेगा हमारे साथ ब्लॉग में, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और ब्लॉग के लिए लाइक कर देना गाइस। तो अभी मैं आप लोगों को फ़ोन दिखाऊंगा अपना जो मैं कल सही करवा कर लाया था, आज ऑन करके देखते हैं उसे। मैंने अभी तक ऑन भी नहीं किया है तो आज ज़बरदस्त हटाएंगे आप लोगों के सामने। चलिए करना चाहता हूँ क्यों ये फ़ोन मेरे लिए बेस्ट है, मैं आप लोगों को दिखाई दूंगा, आप लोगों को साफ साफ पता लग जाएगा। एज आ ये सेकेंडरी फ़ोन रहने वाला है मेरा। तो ये फ़ोन जो है आप लोग देख सकते हो, इस पर से अभी तक मैंने रबर बैंड भी नहीं हटाया और इसे ऑन भी नहीं किया है। तो अभी चलिए इसे ऑन करके देखते हैं और देखते हैं किस प्रकार से इसकी जो टच है वो काम करती है या फिर नहीं करती है। तो चलिए आप लोग आके देखिए, इसका जो कवर है वो भी यहीं पर पड़ा है, मैंने रख लिया है इधर ही। और ये फ़ोन जो है अपना वो भी, तो चलिए बिना किसी देरी के इस फ़ोन को कर लेते हैं ऑन और ऑन करने के बाद फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए भाई अभी इसकी रबड़ बैंड को जो है हम खोल लेते हैं एक एक करके। तो भाई ये जो है साइड के पहले निकाल लेते हैं रबड़ बैंड को, फिर हमें पता लग जाएगा हमारा फ़ोन किस प्रकार का चलेगा किस प्रकार का नहीं और चल भी पाएगा या फिर नहीं। तो चलिए अभी हम लोगों ने खोल लिया है, अभी इसको ऑन करते हैं। देख सकते हो गाइस ये जो फ़ोन है वो Redmi 6A है, तो मैं इसे थोड़ा बहुत वीडियो में लोग को दिखा दे रहा हूँ। एज अ सेकेंडरी फ़ोन है ये मेरा, बाकी आप लोग देख सकते हो इस फ़ोन को, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है ज़्यादा बुरा भी नहीं है।
और इस पे लगा देते हैं स्टारबक्स कॉफी वाला केस। तो आप लोग अभी देखिए इसे और कमेंट करके बताइए ज़रूर से कैसा लग रहा है ये स्टारबक्स का प्रीमियम सा केस। तो चलिए इसे ऑन होने देते हैं तब तक के लिए। तो गाइस देख सकते हो आप लोग फ़ोन जो ऑन हो चुका है अपना। बाकी गाइस आप लोग कैमरे की क्वालिटी देख ही सकते हो। बाकी इससे मैं आप लोगों को ब्लॉक करके दिखाता हूँ क्योंकि इसकी क्वालिटी और जिस फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है उसकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आप लोगों को कमेंट में ज़रूर से बताना दोनों फ़ोन में से किसकी क्वालिटी बेटर है और मुझे किस कौन से फ़ोन से ब्लॉग बनाना चाहिए। तो मैं चलिए इसकी भी क्वालिटी आप लोग को टेस्ट करा देता हूँ इस फ़ोन की। तो अभी जो आप लोग ब्लॉग देख पा रहे हैं वो मर रहा है मेरा रेडमी 6A फ़ोन से और ये लगा है मेरा वाला फ़ोन जिससे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो रेडमी 6A फ़ोन है जिससे मैं अभी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और बाकी आप लोग कमेंट में जरूर से बता देना कैसी लग रहा है आपको इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी दोनों की आप लोग कमेंट में जरूर से बताना। जब मैं ब्लॉग कर रहा था तब मैं इससे ब्लॉग कर रहा था और अभी मैं इस फ़ोन से ब्लॉग कर रहा हूँ तो आप लोग जज कर ही सकते हो क्वालिटी किसकी बेटर है और किसकी नहीं। अभी मैं इससे करके दिखाता हूँ फिर आप लोग इस वीडियो को देखना एक बार वापस से बैक करके फिर बताना आप लोग कमेंट में किसकी क्वालिटी बेटर है इन दोनों फ़ोनों में से। ठीक है तो भाई ये है पोको C3 फ़ोन जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ भी और ये देखो मेरा फ़ोन जिससे मैंने आप लोग को क्वालिटी टेस्ट करा के दिखाया। तो दोनों में क्वालिटी देख ही सकते हो कैसी आ रही है क्वालिटी कैसी नहीं और मैं मेन कैमरे से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके बैक कैम से। तो आप लोग कमेंट में बताना दोनों में से किसकी क्वालिटी आप लोग को बेस्ट लगी। चलिए अभी आप